परम सत्कार योग साध संगत जी, एक बार सारे प्यार नाल आखिए तां श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी। सच्चे पातशाह सतगुरु जगजीत सिंह जी ने साढ़े ते इन्ने परोपकार किए ने कि गिने नहीं जा सकते। सतगुरु दिलों दिया जानन वाले परम सच्चे पातशाह उन्होंने साढ़े इन्ने उपकार ने असी उन्हों की महिमा साढ़े तो बयान करनी बहुत औखी है। मतलब अपरंपार से सच्चे पातशाह सर्व कला समर्थ सतगुरु जी, मैं आप जी ना साखी सांझी करन जा रही हूँ। साखी रिवालसर दी है। रिवालसर सच्चे पातशाह दी दो कोठियाँ, एक उपर बनी हुई तो एक थले। जिहड़ी हेठां कोठी सी उह सतगुरु प्रताप सिंह जी दे समय लई हुई सीगी। तो सच्चे पातशाह सतगुरु प्रताप सिंह जी ने भी उत्थे मतलब सर मेरे नाना नानी जी जिहड़े मेरे नाना जी दा नाम सुंदर संत सुंदर सिंह जी ते नानी जी माता ज्ञान कौर जी वो कोठी च रहिंदे हुंदे सी। उत्ते उस तो बाद जिहड़ी उपरली कोठी सी पहाड़ ते वह मतलब सीगी वह सतगुरु जगजीत सिंह जी ने खरीदी सी उस टाइम ते। तो उत्थे मतलब जदों वह कोठी खरीदी तो उत्थे मतलब एक पत्थर दे उत्ते एक देवते दी मूर्ति बनी हुई सी। तो उत्थे वह जिहड़े उत्थे मियाँ रहिंदे सीगे ते वह मियाँ जिहड़े सी वह देवते दी पूजा करदे सी। पर वह जदों वेच के चले गए कोठी तो उत्थे फिर मतलब उत्थे पूजा कोई नहीं करता सी देवते दी। तो होर जिहड़े लोग उत्थे उस देवते नूं मानदे सीगे ते उन्होंने मतलब पूजा करनी छड्ड दित्ती। फिर की होया भी उन्होंने घर जिहड़ियां उन्हां दियां नूहां सीगियां होर सी वह बीमार रहन लग गईयां। बीमार भी इस तरह भी उन्होंने अपने सुध बुध नहीं रहनी, कभी अपने कपड़े फाड़ लेने, कभी दरख्त तो छालां मार लेनियां, गर दरख्त ते चढ़ जाना ते वाल खलार लेने, इस तरह के मतलब इस तरह ढिलियां बीमार रहन लग गईयां वह। तो फिर मतलब उन्होंने किसी ने पूछा उन्होंने परिवार ने भी की गल हो गई इस तरह साढ़े भी इस तरह बीमारी इस तरह क्यों हो गया। फिर मतलब तो उन्होंने किसी ने दसिया भी तुम जे देवते की पूजा करते सी वो तुम छड़ती है तो करके तुहाडे परिवार से इस तरह हो रहा है। तो वह फिर साढ़े जो नाना नानी सके बेबे बापू उन्होंने को आए तो कहते भी इस तरह असी कोठी दे विच भी पूजा करनी है। तो पूजा तो सर बेबे बापू जी कहते कर लो तुम कोई गल नहीं भी तुम मानते हो देवी देवत्यां तुम मान लो कर लो पूजा। तो उन्होंने जिदन पूजा करनी सी उदन उत्थे सारे इकट्ठे हो गए। तो बेबे बापू जी ने भी बुलाया वह भी गए उत्थे। तो जो गए तो उन्होंने देखा भी उत्थे पूजा करने वास्ते होर समान भी सी ते एक बकरा बन्या होया। पूजा करने वास्ते बकरे की बलि देनी सी उन्होंने। तो देख के बड़े हैरान होए, घबरा गए, एकदम डर गए। मेरे बेबे बापू जी कहते भी है की हो गया भी असी सोचा सी पूजा करनी है, पूजा करनगे चले जाएंगे ठीक है कोई गल नहीं, तो यह बकरी बली तो बहुत औखी है। तो उस वेले फिर सतगुरु मेरे बापू जी जिहड़े सी उन्होंने सतगुरु जगजीत सिंह दे चरणा च अरदास की मनो मन, हे सच्चे पातशाह भी असी तेरे हाँ, तुसी देखना भी देखो साढ़े सामने की होई जांदा है, साढ़े तो देखिया नहीं जाना भी बकरे की बलि भी असी इत्थे अपने तुहाडी जगह है तुसी कृपा करनी है। तो सच्चे पातशाह ने उदों ही दिल दियाँ जान लिया। तो इस तरह होया भी उत्थे जिहड़े पहाड़ी लोग सी जिहड़े ओह सीगे उन्हां दे विच्चों ही एक बंदे नूं इस तरह चानण होया अंदरों। तो वह उच्चे उच्चे बोलन लग गया, कहिंदा भी इत्थे आ सामने माई बाबा बैठे ने, इन्हां दे सामने बलि नहीं देनी किसी ने, मैनूं तुहाडा जिहड़ा तुसीं होर लै के आए हो प्रसाद लै के आए हो रोट बना के लै के आए हो मैनूं तुहाडा यही मंजूर है भी इत्थे बलि नहीं देनी। इत्थे इस तरह करके जो उन्होंने हुए फिर उन्होंने उत्थे बलि नहीं दिती ते उत्थे पूजा की अपना प्रसाद पानी उत्थे वरताया उन्होंने। तो इस तरह करके भी हर साल फिर उत्थे इस तरह ही पूजा होंदी रही है। तो इस तरह सच्चे पातशाह ने दिलां दियां जाणियां घट घट दी जानन हार मेरा सतगुरु ते उन्हां दी कृपा नाल यह सारा कुछ होया। तो असी हुण भी सच्चे पातशाह उत्थे फिर बाद च हुण तक कोठियां सच्चे पातशाह दी विक गईयां ने सुबह भी। तो इस तरह करके सच्चे पातशाह ने बड़ी कृपा की ते उन्हां दी अंदर दियां जान के ते इस करके मैं सत श्री अकाल कहना।